नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम लसित बोरफुकन के बारे में एक निबंध सौंप रहा हूँ। तो हिंदी में लसित बोरफुकन का निबंध कैसे लिखता है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। निबंध का पहले लिख लेना है भूमिका, उसका बाद भूमिका का नीचे से लिखना है लसित बोरफुकन का नाम असम के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन्हें अपनी वीरता और कुशल नेतृत्व क्षमता के लिए याद किया जाता है। लसित अहम साम्राज्य के सेनापति और बोरफुकन थे। सरायघाट की लड़ाई 1671 इंग्रेजी में इन्होंने बेहतरीन सूझबूझ का परिचय दिया था। इन्होंने कामरूप पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए राम सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं का प्रयास विफल कर दिया गया था। उसका बाद लिखना है परिचय। लसित बोरफुकन मुमाई तामुली बोरबरुआ के पुत्र थे, जो कि प्रताप सिंह के शासनकाल में पहले बोरबरुआ थे। लसित बोरफुकन ने मानविकी शास्त्र और सैन्य कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें अहम स्वर्गदेव के ध्वज वाहक का पद सौंपा गया था, जो कि किसी महत्वाकांक्षी कूटनीतिज्ञ या राजनेता के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता था। बोरफुकन के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व लसित अहम राजा चक्रधर सिंह की शाही घुड़साल के अधीक्षक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिमुलगढ़ किले के प्रमुख और शाही घुड़सवार रक्षक दल के अधीक्षक वे पदों पर आसीन रहे थे। इसके बाद प्रगाप सेंस कर लेना। उसके बाद लिखना है राजा चक्रधर ने गुवाहाटी के शासक मुगलों के विरुद्ध अभियान में सेना का नेतृत्व करने के लिए लसित बोरफुकन का चयन किया। राजा ने उपहार स्वरूप लसित को सोने की मूठ वाली एक तलवार और विशिष्टता के प्रतीक पारंपरिक वस्त्र प्रदान किए थे। लसित ने सेना एकत्रित की और 1667 इंग्रजी की गर्मियों तक तैयारियां पूरी कर ली गई। लसित ने मुगलों के कब्जे से गुवाहाटी को पुनः प्राप्त कर लिया और सरायघाट की लड़ाई में वे इसकी रक्षा करने में सफल रहे। सरायघाट की विजय के लगभग एक वर्ष बाद प्राकृतिक कारणों से लसित बोरफुकन की मृत्यु हो गई। उनका मृत शरीर जोरहाट से 16 किलोमीटर दूर होलंगापारा में स्वर्गदेव उदयादित्य सिंह द्वारा सन 1672 में निर्मित लसित स्मारक में विश्राम कर रहा है। लसित बोरफुकन का कोई चित्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक पुराना इतिवृत्त उनका वर्णन इस प्रकार करता है। उनका मुख चौड़ा है और पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। कोई भी उनके चेहरे की ओर आँख उठाकर नहीं देख सकता है। उसका बाद लिखना है सरायघाट का युद्ध। लसित और उनकी सेना द्वारा पराजित होने के बाद मुगल सेना ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते ढाका से असम की ओर चली और गुवाहाटी की ओर बढ़ने लगी। राम सिंह के नेतृत्व का वाली मुगल सेना में 30,000 पैदल, 15,000 तीरंदाज, 18,000 तुर्की घुड़सवार, 5,000 बंदूकसी और 1,000 से अधिक तोपों के अलावा नौकाओं का विशाल बेड़ा था। लड़ाई के पहले चरण में
मुगल सेनापति राम सिंह असमिया सेना के विरुद्ध कोई भी सफलता पाने में विफल रहा। राम सिंह के एक पत्र के साथ अहम शिविर की और एक तीर छोड़ा गया जिसमें लिखा था कि लसित को 1,00,000 रुपये दिए गए थे और इसलिए उसे गुवाहाटी छोड़कर चले जाना चाहिए। यह पत्र अंततः अहम राजा शक्रधर सिंह के पास पहुंचा। यद्यपि राजा को लसित की निष्ठा और देशभक्ति पर संदेह होने लगा था, लेकिन उनके प्रधानमंत्री अतन बुरगुहेन ने राजा को समझाया कि यह लसित के विरुद्ध 1 साल है। सरायघाट की लड़ाई के अंतिम चरण में जब मुगलों ने सरायघाट में नदी से आक्रमण किया तो असमिया सैनिक लड़ने की इच्छा खोने लगे। कुछ सैनिक पीछे हट गए। यद्यपि लसित गंभीर रूप से बीमार थे, फिर भी वे एक नाव में सवार हुए और 7 नावों के साथ मुगल बेड़े की ओर बढ़े। उन्होंने सैनिकों से कहा, यदि आप भागना चाहते हैं तो भाग जाइए। महाराज ने मुझे एक कार्य सौंपा है और मैं इसे अच्छी तरह पूरा करूंगा। मुगलों को मुझे बंदी बनाकर ले जाने दीजिए। आप महाराज को सूचित कीजिएगा कि उनके सेनाध्यक्ष ने उनके आदेश का पालन करते हुए अच्छी तरह युद्ध किया। उनके सैनिक लामबंद हो गए और ब्रह्मपुत्र नदी में एक भीषण युद्ध हुआ। लसित बोरफुकन विजयी हुए। मुगल सेनाएं गुवाहाटी से पीछे हट गई। मुगल सेनापति ने अहम सैनिकों और अहम सेनापति लसित बोरफुकन के हाथों अपनी पराजय स्वीकार करते हुए लिखा, महाराज की जय हो, सलाहकारों की जय हो, सेनानायकों की जय हो, देश की जय हो। केवल एक ही व्यक्ति सभी शक्तियों का नेतृत्व करता है। यहाँ तक कि मैं राम सिंह व्यक्तिगत रूप से युद्ध स्थल पर उपस्थित होते हुए भी कोई कमी या कोई अवसर नहीं ढूंढ सका। उपसंहार। उसका बाद लिखना है, लसित बोरफुकन के पराक्रम और सरायघाट की लड़ाई में असमिया सेना की विजय का स्मरण करने के लिए संपूर्ण असम में प्रति वर्ष 24 नवंबर को लसित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लसित मेडल से सम्मानित किया जाता है, जिसका नाम लसित बोरफुकन के नाम पर रखा गया है। उसका बाद प्रग्राफ सेंस कर लेना है। उसका बाद लिखना है, अपनी बहादुरी और साहस का परिचय देकर सरायघाट का युद्ध जीतने वाले लसित बोरफुकन कि सरायघाट की लड़ाई के कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। 1672 में मरने वाले नायकों को जोरहाट के हुरुंगापरा में मैदान दिया गया था। तो दोस्तों, लसित बोरफुकन का निबंध इतना ही है। तो हमारा निबंध कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएगा। तो आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।